सो हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक जो बीओई होते हैं यानी कि जो बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर होते हैं उनका क्या क्या ड्यूटी होता है, क्या क्या ये वर्क करते हैं और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है यानी कि कौन कौन जिम्मेदारियाँ जो होती हैं वो उनके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी BOE का मतलब होता है बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर। क्या होता है ये बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर? तो देखिए, यानी कि एक ऐसा इंजीनियर यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि किसी भी बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए, उसका ऑपरेशन करने के लिए ऑथराइज होते हैं। ठीक है, लीगल ऑथेंटिकेशन उनके पास होता है, उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है और वो सर्टिफिकेट अगर उनको मिल जाता है अकॉर्डिंग टू IBR रूल्स के तहत, ठीक है, तो वो उनको कहा जाता है बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर। और ये कहाँ पर डिप्यूटेट किए जाते हैं? तो ये लार्ज प्लांट में यूज किए जाते हैं जिनकी, जिस बॉयलर की कैपेसिटी जो होती है वो हाई होती है। कितना होगा? तो ठीक है, हीटिंग सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए एक बॉयलर है, इसकी कैपेसिटी अगर 1000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, ठीक है, ये सिंगल बॉयलर के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये सिंगल बॉयलर के लिए एक ओनर हो सकते हैं, इंचार्ज हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए सिंगल बॉयलर का ही कैपेसिटी 1000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो या कई सारे बॉयलर को मिलाकर हो, ठीक है, 50 मीटर के रेडियस में, तो वहाँ पर जो इंजीनियर डिप्यूटेट किए जाते हैं इसको ऑपरेशन के लिए, तो वो कहलाते हैं BOE यानी कि बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर। तो उनका एक निश्चित ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर एक एक करके अब देखते हैं। तो देखिए, इनमें से जो पहला जो है वो है सेफ एंड रिलायबल ऑपरेशन ऑफ बॉयलर, यानी कि इनके अंतर्गत जितने भी सारे बॉयलर हैं, ठीक है, जिनका इनका इंचार्ज बनाया गया, ठीक है, तो उन सभी बॉयलर का ऑपरेशन जो होगा वो सेफ होना चाहिए और रिलायबल यानी कि स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम वगैरह आए तो उनको देखना है, उनका सेफ ऑपरेशन करना है। ओके, नेक्स्ट जो है ओवर सी द फंक्शनिंग ऑफ शिफ्ट इंचार्ज। तो जैसे प्लांटों में आप देखे होंगे कि कई सारे शिफ्ट होते हैं, ABC ऐसे करके शिफ्ट डिवाइड किया रहता है, जनरली 8 घंटे के होते हैं, तो उस शिफ्ट को चलाने के लिए एक शिफ्ट इंचार्ज होता है। तो उस शिफ्ट इंचार्ज का एक निश्चित वर्क होता है, वो सभी वर्क को वो देखते हैं, ठीक है, प्लांट को स्मूथ चलाते हैं, तो उनका क्या क्या वर्क है उनको ओवरसी करना है, यानी कि जो BOE होंगे वो शिफ्ट इंचार्ज के काम को ओवरसी करेंगे, एक तरह से उनका काम को सुपरविजन करेंगे। ठीक है, उनसे कोऑर्डिनेशन मिला के रखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है केप प्लांट एफिशिएंट बाय सेविंग कोल, वाटर, स्टीम, ऑयल एक्सेट्रा। तो एक BOE का ये भी काम होता है कि अपने प्लांट को एफिशिएंट बना के रखें, ठीक है, बाय सेविंग कोल को सेव करके, वाटर को सेव करके, स्टीम, ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट जो है यूटिलाइज टेक्निकल स्किल ऑफ एन ऑपरेटिंग पर्सन। अपना जो भी टेक्निकल स्किल से उसको अपना ऑपरेटिंग पर्सनल में यूटिलाइज करना है, ठीक है, ताकि बॉयलर का सेफ और रिलायबल स्मूथ ऑपरेशन हो सके। नेक्स्ट है हैंडलिंग इमरजेंसी लाइक प्लांट ट्रिप, ऑटो ट्रिप, ब्लैकआउट एंड एनी एक्सीडेंट एक्सेट्रा। प्लांट में जैसे प्लांट ट्रिप हो जाता है या कोई ऑक्सिलरी ट्रिप होती है, जैसे बॉयलर का मान लीजिए कोई ड्राइव यानी कि कोई फैन अगर ट्रिप हो जाता है, चाहे वो ID हो, ठीक है, चाहे वो FD फैन हो, तो उस समय हम कैसे नॉर्मलाइज करना है, ये सभी चीज़ों को हैंडलिंग करना है। ठीक है, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसको भी हैंडलिंग करना है, एक प्रॉपर जो IBR एक्ट के तहत होता है। ओके, ठीक है, चाहे आपका छोटा एक्सीडेंट हो या बड़ा एक्सीडेंट हो। नेक्स्ट है ऑब्जर्व सेफ्टी लाइक फायर एंड वर्क रिलेटेड सेफ्टी। तो सेफ्टी का भी खासकर ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आप प्लांटों में जाते हैं कि बॉयलर में कई तरह के वर्क होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, शटडाउन हो या नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान हो या ब्रेकडाउन के समय हो, तो उसमें जो भी आपका फायर रिलेटेड सेफ्टी हो या वर्क रिलेटेड सेफ्टी हो, तो इसका खासकर ध्यान देना है। नेक्स्ट है रूटीन चेक ऑफ ऑल माउंटिंग एंड फिटिंग्स इन बॉयलर। अब बॉयलर में कई सारे माउंटिंग्स लगे होते हैं, कई सारे फिटिंग्स लगे होते हैं। माउंटिंग्स यानी कि जैसे कि आपका सेफ्टी वाल्व हो गया, MSSB हो गया, मेन होल हो गया, प्रेशर गेज हो गए, ये जितने भी सारे माउंटिंग्स होते हैं, ठीक है, इस पर एक सेपरेट वीडियो भी है, बहुत एक पुराना वीडियो है, उसका लिंक भी दे दूंगा, देख लीजिएगा, बहुत ही बेसिक चीज़ है। और जो फिटिंग्स हो गए, ओके, जैसे बॉयलर में कई सारे जो जॉइंट्स हो गए, तो वहाँ पर क्या कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, इन सभी चीज़ों का एक तरह से रूटीन चेकअप करना है। ठीक है, जितना भी मान लीजिए शिफ्ट के दौरान देखना हो या वीकली बेसिस पे देखना, इन सभी का एक निश्चित समय में उनका चेकअप करना। ओके, नेक्स्ट है सुपरविजन ऑफ हाइड्रोलिक टेस्ट ऑफ बॉयलर। अब बॉयलर का मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि जैसे साल में उनका एक शटडाउन लिया जाता है, ठीक है, जो भी मेंटेनेंस वगैरह करना होता है वो करते हैं, तो शटडाउन के वगैरह जो भी काम वगैरह, मान लीजिए कोई अगर ट्यूब का रेक्टिफिकेशन हुआ है तो उसके बाद शटडाउन हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है, तो वो जो हाइड्रोलिक टेस्ट होगा या मान लीजिए नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान आपका बॉयलर
लीकेज कर गया और फिर उसका काम बिगड़ा हो गया, ठीक है, प्रॉपर वे में, तो उसके बाद भी हाइड्रोलिक टेस्ट होता है, तब उसको लाइन में लिया जाता है। तो जो हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है, ओके, तो वो हाइड्रोलिक टेस्ट भी जो होगा वो आपका बीओई के सुपरविजन में होगा, ठीक है, यानी कि वहाँ पे एक निश्चित तौर पे एक बीओई होना चाहिए और उसी के देखरेख में वो हाइड्रोलिक टेस्ट होगा। हाइड्रोलिक टेस्ट के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, अब देख लीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइमली करेक्शन ऑफ एनी एबनॉर्मलिटी इन बॉयलर। बॉयलर में कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी, कोई भी परेशानी आती है तो उसको टाइमली करेक्शन करना है, ये भी बीओई के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रूटीन चेक ऑफ सपोर्ट्स एंड स्ट्रक्चर। अब बॉयलर में कई सारे सपोर्ट्स एंड स्ट्रक्चर होते हैं तो उनका भी एक टाइमली बेसिस पे उसको चेक करते रहना चाहिए और कोई भी डिफॉल्ट आता है तो उसको रेक्टिफाई करवाना, ओके। नेक्स्ट है गिव ट्रेनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट। आपके अंडर में जितने भी सारे वर्कमैन हैं, ठीक है, तो उनको एक टेक्निकल स्किल्स हो, चाहे उनको बॉयलर से रिलेटेड कोई जानकारी देना हो, तो उससे रिलेटेड आपका एक ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना है। नेक्स्ट है फॉलो आईबीआर रूल। अब आईबीआर रूल यानी कि बॉयलर को सेफ एंड रिलायबल ऑपरेशन के लिए कैसे इसको ऑपरेशन करना है स्मूथली, कैसे इसका शटडाउन करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे उसको रेक्टिफाई कराना है, इन सभी चीज़ों का एक महाग्रंथ है, ठीक है, जिसको हम लोग आईबीआर कहते हैं, ठीक है, एक तरह का एक बुक है। तो उसी के तहत आपका बॉयलर में वो काम करवाना है, उसको फॉलोअप करवाना है, ठीक है, तो ये भी एक बीओई का जिम्मेदारी होता है। नेक्स्ट है टाइमली रिपोर्टिंग टू सीनियर। कोई भी वर्क होता है या कोई भी एबनॉर्मलिटी होता है तो अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है टाइमली, ओके। नेक्स्ट है टाइमली कम्युनिकेट एंड फॉलो अप विथ बॉयलर इंस्पेक्टर या सीआईबी यानी कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर, ओके। तो मान लीजिए अगर आपको किसी बॉयलर में कोई मॉडिफाई करवाना हो, ठीक है, मान लीजिए कोई प्रेशर पार्टी चेंज करवाना हो, तो वो भी एक प्रॉपर आईबीआर के तहत होता है और उसमें आपको इनसे कम्युनिकेट करके जो भी अपना डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, तो उसको फॉलोअप करके वर्क करवाना होता है, ओके। तो ये भी एक बीओई का जिम्मेदारी होता है। और लास्ट एंड आखिरी जो है कि ऑथराइज टू डू एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ एनी लैंड बॉयलर। तो जो लैंड बॉयलर होते हैं उनका भी एनुअल जो इंस्पेक्शन होता है वो भी बीओई के अंतर्गत भी आता है, यानी कि जो हम लोग साल में जो एनुअल इंस्पेक्शन करते हैं वो भी एक बीओई कर सकते हैं, उसके लिए भी वो ऑथराइज होते हैं, ओके। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर, ओके। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।